हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शैलजा, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल क्रेजी बड़ी पर स्वागत है। फ्रेंड्स, वैसे तो मेरे पास स्टील की कढ़ाइयाँ हैं, बट उनमें क्या होता है फ्रेंड कि जैसे कि ना जब भी मैं उनमें कोई वेजिटेबल कुक करती हूँ या तो वो ना उनका जो बॉटम होता है ना उससे वो चिपक जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा हैवी बॉटम वाली कढ़ाई लेती हूँ। तो मैंने सर्च किया कि ट्राईप्लाई रेंज में जो कढ़ाइयाँ हैं वो कुकिंग के लिए अच्छी होती हैं, तो इसीलिए मैंने ये बर्गनर की कढ़ाई जो है वो मैंने ऑर्डर करी मैंने है। इसको फ्रेंड्स बिग बिलियन सेल में ख़रीदा है और यहाँ पे मैंने इसको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में ख़रीदा है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अमेज़न की दिवाली सेल पर भी खरीद फ्रेंड्स सकते अगर आप हैं। लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मुझे एक इंस्पिरेशन मिल सके और मैं आप लोग के लिए अच्छी से तो अच्छी चलिए वीडियोज़ ला फ्रेंड्स, सकूँ। बिना टाइम वेस्ट किए अब करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मुझे कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में ये रिसीव हुआ है। ये थोड़ी सी जो पैकेजिंग है आप देख सकते हैं क्लियरली ये फटी हुई है। तो मैंने डिलीवरी वाले भैया से पूछा था तो उन्होंने बोला कि ये जो शिपिंग में ना जो भारी आइटम्स होते हैं ये थोड़े टीयर आउट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको ओपन करती हूँ। ये देखिए मैं इसको ओपन कर रही हूँ। मैंने जो इसकी पॉलीथीन थी वो निकाल दी है। अब मैं इसका जो ये जो अमेज़न का बॉक्स है, मैं फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं कि ये मुझे ना एकदम बबल रैप में रिसीव हुआ है। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में, बहुत ही सेफ पैकेजिंग में इन्होंने भेजा है। मैं इसको भी ओपन कर रही हूँ। फ्रेंड्स कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है। ये बर्गनर की कढ़ाई है ट्राईप्रो रेंज की। फ्रेंड आप लोग देख पा रहे हैं कि ये ट्राईप्रो रेंज का एक कढ़ाई और पैन मैंने साथ में ये लिया। बर्गनर कंपनी की कढ़ाई है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये बर्गनर कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है और इसकी ये बहुत अच्छी मतलब प्रोडक्ट्स ना कुकवेयर के इनके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ना इंडिया है। में भी पॉपुलरिटी काफ़ी अच्छी हो रही है अब। फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने ये ट्राई प्रो रेंज में ख़रीदी है और इसमें ना 3 पीसेस का आ रखा है कुकवेयर सेट। फ्राई पैन जो है वो भी मुझे 24 सेंटीमीटर मिला है। कढ़ाई जो लिड के साथ है वो भी 24 सेंटीमीटर ही है। और फ्रेंड्स ये हेलोजन गैस इलेक्ट्रिक और विट्रो सेरेमिक के लिए ये कंपैटिबल है। इंडक्शन पे भी ये कंपैटिबल है। और फ्रेंड्स इसका वेट शायद 1.8 kg है और यहाँ पर ये 5 ईयर्स की वारंटी है फ्रेंड्स। और ये 18x10 स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। फ्रेंड्स ये ना वर्गनर प्रोडक्ट्स वाली रेंज है। ये जो ट्राइब्रो की जो मैंने कढ़ाई और पैन लिया है आप लोग देख पा रहे हैं। एक बात और है कि अगर आप वर्गनर पर जाकर इसको रजिस्टर करते हैं तो आपको 5 ईयर्स के अलावा 3 मंथ्स की जो वारंटी है वो और ये एक्सटेंड कर देंगे अगर आप इनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने अगर ले ली हो या लेने वाले हैं तो आप इसको ना ऑनलाइन रजिस्टर करा लीजिए ताकि आपकी जो 5 ईयर्स से जो वारंटी है वो 5 ईयर्स 3 मंथ्स की हो पाए। फ्रेंड्स इस पे जो ओरिजिनल प्राइस है वो लिखा है 6840। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने इसको सिर्फ 2990 में ख़रीदा है। कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुई है। फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं ये पैन है। तो चलिए अब बात करते हैं कढ़ाई की। बहुत ही अच्छी फिनिश के साथ इन्होंने कढ़ाई दी है फ्रेंड्स। यहाँ पे इनका लोगो लग रखा है हैंडल्स पे और इन्होंने ये बोला है कि जो इनके जो हैंडल्स हैं वो कुकिंग के टाइम ना गर्म नहीं होंगे, अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो कम गर्म होंगे। तो वो तो मैं यूज़ करने के बाद ही बता पाऊंगी आपको। एकदम मिरर फिनिश है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स पीछे भी इन्होंने लोगो दे रखा है, आप लोग देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स ये 24 सेंटीमीटर की कढ़ाई है और इसका जो वो दे रखा है वो 3.1 लीटर है। तो मुझे तो और काफ़ी अच्छी वाली डेप्थ दे रखी है, मतलब आप इसमें ना पूरियाँ वगैरह भी आराम से आप इसमें फ्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको आपकी छोटी फैमिली है ना, जैसे मेरी तो 3 लोग की फैमिली है, इसमें मुझे लग रहा है 4 से 5 लोग का खाना आराम से बन जाएगा। 4 लोग का खाना तो आराम से बन जाएगा। तो अगर आपकी छोटी फैमिली है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप थोड़ी सी छोटी ही रिकमेंड करना बिकॉज ये बहुत कॉस्टली होती हैं। अब करते हैं फ्रेंड्स इसके लिड की बात। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं
कि इसकी लिड भी काफ़ी स्मूथ है और हैवी भी है फ्रेंड्स। और ये जो उन्होंने हैंडल दिया है इस पर उन्होंने अपना लोगो दे रखा है, दो रिवेट्स दिए हैं, काफ़ी मजबूत है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड्स, और एकदम ग्लास फिनिश है इसकी। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर इसके ट्राइप्रो के पेन की। तो फ्रेंड्स पेन भी ना बहुत हैवी है, बहुत अच्छे से हैवी है और पूरा ग्लास फिनिश दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। ये भी ट्राईप्लाई की रेंज में ही मैंने लिया है, और ये जिसका हैंडल है वो भी स्टील का बना हुआ है। टू इन्होंने यहाँ पे रिबेट्स दे रखे हैं, ऐसा नहीं मतलब मैं अदर ब्रांड्स में देखती हूँ कि चार रिबेट्स दे रखे होते हैं, ऐसा नहीं है। और ये काफ़ी मजबूत भी लग रहे हैं फ्रेंड्स, काफ़ी मजबूत हैं ये। ट्राईप्लाई में क्या होता है फ्रेंड्स की ना तीन लेयर्स होती हैं, आप लोग समझ रहे हैं ना, जैसे कि तीन लेयर्स हैं, मान लीजिए ये इसका पैकेट है, ये ऐसे करके ना तीन लेयर्स हैं, तो ये वाली जो लेयर है वो भी स्टील की, और ये वाली एल्यूमिनियम की, और ये वाली जो लेयर है ये भी स्टील की। तो फ्रेंड्स दो लेयर जो हैं वो स्टील की और बीच में एक लेयर जो होती है वो एल्यूमिनियम की होती है फ्रेंड्स। ट्राईप्लाई में क्या होता है फ्रेंड्स की जो इसमें एक तो जो स्टेनलेस स्टील होती है वो सेफ कुकिंग के लिए सेफ होती है, और जो एल्यूमिनियम का काम जो बीच की लेयर होती है ना जो एल्यूमिनियम, तो उसका काम क्या होता है कि वो हीट को ना ट्रांसमिट करती है पूरा, जैसे बर्तन पे ना आपके जो हीट जा रही है ना गैस पे आप रख रहे हो बर्तन, तो पूरा बर्तन गर्म होगा और जो होता है ना खाना जल्दी पकता है एक तो ये काम होता है। ट्राईप्लाई है ये, डिशवॉशर सेफ भी है जैसा कि बर्गर इनको क्लेम कर रहा है कि ये डिशवॉशर सेफ हैं। और फ्रेंड्स आप लोग ये यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कहाँ 18x10 स्टेनलेस स्टील, क्या आप लोग जानते हैं कि 18x10, आपने कई जगह देखा होगा 18x10, 18x8 और 18x0। तो चलिए फ्रेंड्स आज मैं बताती हूँ आपको, ये जो होती है फ्रेंड्स वो आयरन और उससे कार्बन से मिलकर बनी होती है। तो फ्रेंड्स उसमें क्या होता है कि हम जो घरों में जो नॉर्मल हमारे बर्तन होते हैं उनको अगर हम गैस पर रख देते हैं तो आप देखते होंगे कि थोड़े से वो ना काले से पड़ जाते हैं, उन पर जो गैस की जो कुकिंग जो फ्लेम होती है उसका निशान वो स्पॉट्स आ जाते हैं, इसीलिए हम स्टील के बर्तन को कुकिंग में यूज़ नहीं करते। ये 18x10 में क्या होता है कि फ्रेंड्स जो क्रोमियम जो दो मेटल हैं क्रोमियम और निकल, इनका परसेंटेज होता है आयरन और कार्बन के साथ, हम इसमें 18% जो है ना वो क्रोमियम का परसेंट मिलाते हैं और 10% जो है निकल का। तो क्रोमियम और निकल जब इन दोनों का परसेंटेज मिलाते हैं ना तो 18% तो हमारा क्रोमियम हो गया और 10% निकल हो गया। तो जब हम आयरन और कार्बन के साथ जब स्टील में क्रोमियम और निकल मिला देंगे तो ये जो बर्तन होते हैं जो हमारे कुकवेयर यूटेंसिल्स जो भी हैं तो उनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, एंटी हीट रेजिस्टेंट हो जाते हैं और ये जो कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए ना ये जितने भी 18x10 आप देखते हो ना इसीलिए प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है। आप नॉर्मल स्टील के बर्तन को आप 500 में परचेज कर सकते हो अमेजोन से, मार्केट से जो आप 200-300 में भी परचेज कर लोगे, बट जब आप 18x10 फूड रेट देखते हो या फिर 18x8 देखते हो तो वो सीधे 3000 की रेंज में जाते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि उनमें निकल क्रोमियम और निकल का परसेंटेज मिला होता है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 18x8 क्या होता है फ्रेंड्स। 18x8 वो होता है जिसमें 18% तो आप क्रोमियम को डिनोट कर रहे हो, मतलब उसमें आयरन और कार्बन के साथ में 18% जो है वो क्रोमियम मिला हुआ है और 8% जो है वो हमारा निकल मिला हुआ है। तो जैसे ही निकल जो होता है निकल कि जैसे अमाउंट कम क्वांटिटी इन्होंने स्टील में आयरन कार्बन के साथ में कम करी तो वो लेस हीट रेजिस्टेंट हो जाते हैं और लेस वो रस्ट रेजिस्टेंट रह जाते हैं, मतलब उनमें ना थोड़ी सी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम से उनमें हीट पकड़ लेगा या फिर वो जंग लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा वो इफ़ेक्टिव कॉस्ट भी उनकी थोड़ी कम रहती है। तो इतना मुझे तो कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं लगता। हाँ अगर आप 18x0 ख़रीदने का सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसको मत लें, क्योंकि उसमें क्रोमियम की तो अमाउंट रहता है 18%, बट निकल का जो अमाउंट है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 18x0 ना लें और हमेशा फूड ग्रेड जो ये जो 18x10 और 18x8 जो स्टेनलेस स्टील का जो बैनर है वो देखकर ही लें अगर आपको स्टील के कुकवेयर में कुकिंग करनी है तो। फ्रेंड्स निकल जो है निकल जो काफ़ी महंगा होता है,
निकल का जो अमाउंट है वो, इसीलिए जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो निकल के अमाउंट में वेरिएशंस करती हैं। क्रोमियम से ज़्यादा महंगा है निकल। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि 18:8, 18:10 और 18:0 इस तरीके का रेशियो रहता है हमारे उसमें फूड ग्रेड जो स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं उनमें यही रेशियो रहता है। तो फ्रेंड्स इसी के अकॉर्डिंग जिस तरीके का आप यूटेंसिल ले रहे हैं या कुकवेयर ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके उसके यूटेंसिल्स की प्राइस भी रहती है। जैसे आप 18:10 लेंगे तो उसका कॉस्ट जो है एवरी टाइम ज़्यादा ही रहेगा और 18:8 का थोड़ा सा कम मिलेगा, और 18:0 अगर आप ये वाले जो जो फूड ग्रेड वाले नहीं ले रहे हैं तो आपको प्राइस बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। लेकिन मैं उनमें क्या होता है कि फ्रेंड्स अगर आप सब्जियां बना रहे हो तो उसमें चिपकने का बहुत डर रहता है। मैं एक्चुअली ऐसा ट्राई कर चुकी हूँ, मेरी सब्जियाँ तो उसमें नहीं सही बनती हैं। और फ्रेंड्स ये ओवन सेफ़ नहीं है, मैं आपको बता दूं, शायद मैंने अपनी वीडियो में आपको नहीं बताया कि ये जो ट्राईप्लाई की रेंज में वर्गनर ने ये जो प्रोवाइड की, मैंने जो मंगाया है कढ़ाई और पैन, ये ओवन सेफ़ नहीं है। डिशवॉशर सेफ़ हैं बट फ्रेंड्स आप इसको ओवन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इससे ना हमारे सब्जियां जो हैं वो जल्दी बनती हैं और 30% तक एनर्जी सेव करने का ये जो बर्गनर की ट्राईप्लाई रेंज है ये क्लेम कर रही है। तो वो तो मैं अब आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ ही बता पाऊंगी जब मैं इसको यूज़ करूंगी। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं आज ही इसको यूज़ करूँ और सिर्फ एक टाइम है, मैं एटलीस्ट 20 days और 15 days तक मैं इसको यूज़ करके तब मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी वीडियो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरी वीडियोस ऐसे ही पाना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।